आइए हम आपके बीच बिरहा लोकगीत गायक अवधेश रवि सोना डिबलिया से। यह कार्यक्रम, यह रिकॉर्डिंग आरवी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रतनपुरा रोड भीमपुरा नंबर 1 बलिया। आप सोनू विश्वकर्मा जी के देखरेख में यह रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे आप हम कलाकारन के मंच पर आपसे स्नेह प्यार दुलार मिलेला आसावा किरुवा सभे, यह अपने छोटे भाई बेटवा को आप जैसे मंच पर आपने स्नेह प्यार दिया है, इस गीत को सुन करके भी आप हमें स्नेह प्यार अवश्य देंगे। आइए मास्टर साहब। अनूठा प्रसंग, हमारे कवि माननीय गौरी शंकर प्रधान सोनाडी ने गजब की लेखनी, आपने एक अनूठा प्रसंग लिखा जिसका चार लाइन भूमिका है, क्या मास्टर साहब? खिल गई जब कली बाग में फूल बन कर मद में मधुकरी मधुर गीत गाने लगा मदन मस्त मंजरी मिलन को तरसती मलय मारुति पवन खुशबू लुटाने लगा को मुनि ध्यान में लीन थे देख विश्व मोहिनी मन लुभाने लगा अमित लेखनी विधि विधाता की है वासना में मन गोता लगाने लगा बाबू। विद्वान लेखक बतावेलन की अमित लेखनी विधि विधाता की है वासना में मन गोता लगाने लगा। चाहे इस धरती पर चाहे किसी युग की बात ले ले, चाहे वह कोई ऋषि संत महात्मा रहे हो, यदि उसके दिल दिमाग में वासना आदि सवार करता है उसकी सारी भक्ति निरर्थक है। एक दिन गजल का नमूना लगल बाबू कैसे, सुंदर भाव कभी बिरहा में लिखलन
की माया मोहिनी में, की माया मोहिनी में कितने ऋषि मुनि अनुराग है, खुदा भी झुक गए जवानी के आगे है, जवानी झुक गए जवानी के आगे है। बाबू प्रमाण मिलता है कि विश्व मोहिनी चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, यदि भक्ति भजन में लीन है, यदि उसके मन में कामदेव वासना का यदि सवार है तो भक्ति भजन उसकी निरर्थक हो जाएगी। ऐसा ही कहानी है, नज्म को भाव लगल कैसे बाबू। लहर उठती तो किनारे टूट जाते हैं, लहर उठती तो किनारे टूट जाते हैं, सजाए सपन बहारों के लूट जाते हैं। ध्यान में लीन थे त्रिशंकु मुनि बनवा में, ध्यान में लीन थे त्रिशंकु मुनि बनवा में, भक्ति भजन हरि की बसी उनके मनवा में। कुटी के सामने तालाब एक सुहाना था, कुटी के सामने तालाब एक सुहाना था, भवन रंग विमल पानी कर देता दीवाना था। स्वर्ग की परियां आई धरती का भ्रमण करने, स्वर्ग की परियां आई धरती का भ्रमण करने, देखता लाभ मैनू लाग है लगा भरने। कहानी अयोध्या से लिहल गई। अयोध्या के राजकुमार जिनका नाम त्रिशंकु बताया गया, उनका एक नाम और था जिनके नाम को लोग जन जन में लोग जानते हैं, सत्यव्रत नाम था। उनके मन में एक जिज्ञासा जगी कि क्यों न मैं भक्ति भजन करके मैं इस शरीर से ही स्वर्ग जाऊं। लेकिन श्रापित होकर के वन में भ्रमण कर रहे घूम रहे हैं, और भक्ति भजन में एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, उसी किनारे अपनी कुटिया जमा करके भक्ति भजन में लीन हो गए। और वो जगह प्राकृतिक सौंदर्यता से बिल्कुल बिखेरा हुआ, सारे मनोरम को बिखेरी हुई थी प्रकृति ने। उसी प्रकृति के गोद में त्रिशंकु मुनि अपनी कुटिया बना लिए, और वह कुटिया बना करके भगवान का स्मरण करने लगे। एक दिन के बाद कुछ स्वर्ग की परियां इस पृथ्वी भूमंडल का भ्रमण करने के लिए आती हैं, और जब देखती हैं इस तालाब के किनारे का जब मनोरम दृश्य तो मनमुग्ध हो गई, और जब मनमुग्ध हो गई तो उनकी जिज्ञासा जगी कि क्यों न मैं इस तालाब में स्नान कर लूं। स्नान करने के लिए अपना वस्त्र उतार करके उस कुटी के पास वाले तालाब में प्रवेश करती हैं, तो कभी ने गीत का तर्ज लिखलन। मास्टर हमारे गीत का संकेत कह लेन का पान खल मुन्ने खयर नहीं बात तनी बोल बतियाला पायर नहीं बात साढ़े तीन बजे जब परी सरोवर के किनारे आईली उनके मन में जिज्ञासा जगी और कैलिन का
कि सरोवर की अनुपम छटा मन लुभाए कर ले नहान गली पानी में आए सरोवर में सरोवर में पानी कितना बा कमर भर के तू करे का अर्धलग न होइ के परी सब नहाए अर्धलग न होइ के परी सब नहाए एही बारे आवे वही पारी जाए सरोवर में स्थिति क्या है अर्ध नग्न में है अर्ध नग्न का मतलब समझते हुआ खाली तन की भर नीचे है तन ऊपर है ए पार कब आवे कब ओ पार जाओ आ तबले एगो वही में परी हो कर नजर पर गई वही नजर पड़ल वही त्रिशंकु मुनि पर अजूरी में पानी लेके गई त्रिशंकु मुनि के ऊपर गिरावे लगल लेकिन बाहर त्रिशंकु भक्ति में इतना लीन हुआ उनका ध्यान ना टूटल कैलस का देखी तपस्या में मुनवर को चार कि देखी तपस्या में मुनवर को चार जवानी के पानी मचवलस तूफान सरोवर में एक उसमें परी ऐसी थी परियनों का गजब नाम रहल ना उर्वशी नाम का परी रहली मांडवी नाम का परी रहली मेनका नाम का परी रहली विद्युतमा इकुल स्वर का अप्सरा परी रहली वही में रंभा भी रहली लेकिन वो परियन में एक जोन मेन परी है जोन परी का नाम मेनका है मेनका परी का कैलस एगो काम गीत लगती है कवन गीत अप्सराबा उका कैलस मास्टर साहब अरे दानी के ओढ़ावली चदरिया नाम की अप्सरा है एक हल्का सा वस्त्र लेकर के आंचल अपना जाकर के त्रिशंकु को ओढ़ा देती है और ओढ़ा के उनकी गलवा पर चुम्मा लेवे लगल चुम्मा लेलस तबो ध्यान नहीं टूटल जो दाढ़ी बढ़ल बा दढ़िया धक हिलावे लगल कबो ओठवा से ओठवा सटावे लगल आप कल्पना करें एक बाल ब्रह्मचारी जब एक नौजवान अप्सरा से जब उसके शरीर का ओट का जब चुम्बन का स्पर्श होगा ठीक वैसे ही त्रिशंकु मुनि का काम देव सवार हो गया
आ जब कामदेव सवार भइल त का भइल मास्टर साहब। टूटी गइले ध्यान क्रोधित भइले मुनि की अप्सरा है जा करके त्रिशंकु मुनि को अपना आंचल ओढ़ा करके इतना प्यार कैलस तू उनका ध्यान टूट गई। अजय ध्यान टूटा उनका आंखें क्रोध में लाल है कलन की हमार भक्ति तूरे में सबसे अधिबर कोनो गुनाहगार बात ही तालाब बा इ तालाब न होत नहीं नहैती न हमार भक्ति भजन टूटल किसिया के नाराज होके रुष्ट होकर के क्रोध में एगो काम कैलन का कैलन वो श्राप देते हैं किसको पानी में नहाते नारी नार बनी जाई है तालाबे के दे दहलन ए मेरा श्राप है आज के बाद इस तालाब के जल में जो स्नान करेगा अगर पुरुष स्नान करेगा तो स्त्री बन जाएगी यदि स्त्री कोई स्नान करती है तो वह पुरुष बन जाएगा। इतनी बात जब त्रिशंकु मुनि के मुख से जब सारी अप्सराएं सुनती है गनगन गनगन कांपे लगली आपन भाग लेली। कुछ दिन बीतल त्रिशंकु मुनि पुनः अपने भक्ति को जमाना चाहे ध्यान में लीन होना चाहे पर उनका ध्यान एकाग्रचित नहीं हुआ उनका ध्यान तो विचलित हो चुका था। दो चार छह महीना का समय व्यतीत हो गया और जब व्यतीत हो गया तो कभी यहाँ डेरी का भाव लिखलन तालाब में जादू कपनिया श्राप तो त्रिशंकु मुनि दे दिलन ओहि तालाब के। कुछ दिन जब व्यतीत हुआ तो भूमंडल का भ्रमण करने भूमंडल का भ्रमण करने विष्णु भगवान जी आए हैं। देख तालाब की सुंदर शोभा मन ही मन ललचाए हैं। एक दिन भगवान विष्णु जी भ्रमण करने के लिए आते हैं मृतलोक का इस भूमंडल का जब भ्रमण करने आते हैं तो देखते हैं तालाब की सुंदर दशा को देखलन बड़ा मनमुग्ध हो गयलन का कैलन उतार बस किनार रख पर उतार बसन रख किनार पर पानी में गोता लगाए हैं। अरे बदल गया सारा सामान नारी के तन
सुंदरता को देख करके भगवान विष्णु नीचे आते हैं और धवल चंद्रिका के जल को सुंदरता को देख करके नहाने की जिज्ञासा जाहिर होती है। अपने किनार पर रख करके अपना वस्त्र उसमें स्नान करते हैं। जब स्नान कैलन तो सगरी बदल गई समन में, खिला उरोज सरोज रस बरसे। अरे खिला उरोज सरोज रस बरसे, हिरनी सा नैन लखाए है। अरे जान के दली का खंभा नागन सी कमर लहराए है। सगरी उनका नक्श में बदल गई। इस नृत्य उनका दिमाग भी काम न करे कि आखिरकार हमारे संग का हो गई। धीरे धीरे शर्म के मारे किनारे पर अलन और किनारे पर खड़ा होके एक हाथ ऊपर कैले हो एक हाथ नीचे कैले हो। आखिरकार हम जाई तो कहाँ जाई। इधर कुटिया में त्रिशंकु मुनि का ध्यान तो लगा ही नहीं कि वह फिर भक्ति में लीन होके। संध्या का समय था। जब किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि एक अर्ध नग्न वस्त्र पहनी हुई एक सुंदर सी बाला मेरे इस तालाब के किनारे से बड़ी ही मार्मिक स्थिति में खड़ी है। गैलन कलन प्यारी, तुम जल से बाहर आ जाओ, आओ मेरे कुटिया में। अजबेतनी बतिया कहलन तो कभी एगो गीत का संकेत कैलन। कौन गीत बाबू? अरे कोरी कहतरी सासु दहियो जमावली। अरे कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली। अमृत नावेली जोरा नवा राधा हो काधा मान मोए। आखिरकार त्रिशंकु मुनि कैलन गा का कैलन कि जुलमी जवान पानी त्रिशंकु मुनि जब देखलन वो स्त्री के तो जुलमी जवानी पानी मरला हिलो रवा। अब मोहिनी हलस मुनि के मोहिनी अरनिया हो गैले मुनि वरलो। शंकु मुनि धीरे से जाते हैं उस तालाब के किनारे और उस प्यारी से कहते हैं कि बाहर आ जाओ। वह शर्म से लज्जित होते हुई बाहर आती है किनार पर और लेके धीरे धीरे कहलन की कुटी में चलो, एक छोटा सा तुम्हें वस्त्र देता हूं अपने शरीर को ढक लो। लेकिन वह नहीं जाती है, बाहर खड़ी हो गई। बाहर खड़ी 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 काफी रात गुजर गई। त्रिशंकु मुनि एक बार पुनः आते हैं, कहते हैं कि अरे प्यारी रात कबेरा बट ठंडा तो होके लग जाई, आ जाओ मेरे कुटिया में। कौनो स्थिति में कौनो परिवर्तन ना। त्रिशंकु मुनि गैलन का कैलन कि तालाब किनारा से कुटिया में लाए। अच्छा काटे लगने सोना और चलिया रनिया हो गई ले मुनिवरी लो भाई। आधी रात का त्रिशंकु मुनि वह सुंदरी को कुटिया में ले गए और स्नेह प्यार देने लगे। और जब दोनों जने का बदन एक दूसरे से सटल न हो, मुनि जी का कंठी डगरा गई। त्रिशंकु मुनि अपने गले में पहने हुए सुंदर
कंठी उतार दिए, कामदेव सवार हो गया और एक दूसरे में समाहित हो गए। प्यार प्रसंग में डूब गए त्रिशंकु मुनि। धीरे 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 बहुत दिन गुजर गए। कितना दिन गुजरल बाबू? अरे नौ माह बाद भइल सुघर लला नवा। कैली तकरार एक दिन मुनि से मैया नवा। धीरे धीरे कुछ समय बीता, नौ महीने के बाद एहसास हुआ, कुछ दिन के बाद एहसास हुआ कि मैं तो पेट से हो गई। नौ महीने के बाद एक सुंदर सा नौनिहाल बालक को जन्म देती है और एक दिन काकेलस की अपनी त्रिशंकु मुनि से झगड़ा कर लेलस और झगड़ा करके काम कर लेलस। का कैलस कि जान देवे गैली सरवर के पनिया हो गई ले मुनि वरिल भाई। त्रिशंकु मुनि से वो विश्व मोहिनी तकरार कर दिली। कली के जी हम रहुआ घर में ना रह, कुटिया में ना रह। त्रिशंकु मुनि कहन कहाँ जेबू? कल ये लड़का फैका तू खिलावा, हम तोहरे घर में रहे लायक ना है, हम अपन जान दे देब। हमके इतना कष्ट कबो पूछला कि हमार कौन इच्छा है? त्रिशंकु मुनि कहलन कि हम साधु संत आदमी, अब तू लिपस्टिक पाउडर खोजे थोड़ू तो हमसे ना मिली। बात बात में बतरस हो गई, झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई। कलश की मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देवे के खातिर वही तालाब में कूद गई। आ जब कूद गई तो का भइल, सारा पुनः नक्शा बदल गया। ट्रांसफार्मर वापस पुनः फिर भगवान विष्णु असली रूप में हो गए। दिमाग काम कलश करी, बाप रे बाप, इतना दिन हो गई हम बुझी ना पावत रहनी कि हम का रहली, का हो गईली, हमके कहा रहे के चाही। दिमाग काम कलेस कभी पहपट का भाव लिखलन। भगवान विष्णु सोचने लगे कि आखिर मुझे कहाँ होना चाहिए? का सोचलन? अरे जो हद हुई है रनिया हमार, अरे लक्ष्मी भवन यहाँ, अब भागत भागत स्वर्ग लोकवा में, अरे गईले सुख दनिया हाँ। भगवान विष्णु को ज्ञान हुआ कि मैं कहा हूं, मुझको कहा होना चाहिए, हमार लक्ष्मी हमार इंतजार करत हुई है। आखिरकार उस तालाब से निकलते हैं और अपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं और लड़का वही कुटिया में रोवे लगल। अब त्रिशंकु मुनि लगन खिलावे, खिलावत खिलावत कुछ दिन बीतल। जब कुछ दिन बीतल तो कभी आल्हा का प्रमाण लिखलन। सबही गली हली अपनी माया में फंसा।
भगवान विष्णु तो चले गए अपने स्वर्ग लोक को, लेकिन बालक नौनिहाल वह कुटिया में रोता रहा। त्रिशंकु मुनि 12 बरस तक उस कुटिया में पालन पोषण किए। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि मैं एक अयोध्या का राजकुमार रहा, मैं क्यों ना अपने इस बेटे को लेकर के अयोध्या की राजधानी चलूं और अयोध्या का राज का तिलक कर दूं, इसे राजकुमार घोषित करके राजा बना दूं। यही भावना, यही मन में जिज्ञासा लिए हुए त्रिशंकु मुनि अपने बालक को लेकर चले और अयोध्या में पहुंचकर प्रमाण मिलता है विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि को भी बुलाते हैं और उस बालक का नामकरण करके राज तिलक करते हैं। राज तिलक तक कहने लेकिन लड़का का नाम कालिखन खड़ी का भाव लगल। उस बालक का नामकरण हुआ, उस बालक का नाम हरिश्चंद रखा गया। का कहने हरिश्चंद, अरे दान कैले राजा तो दान कहलाए, असत पथ न छोड़े जाके काशी में बिकाए। आखिरकार वह धर्म के पथ पर चलकर इतने दानी बने। दरवाजे पर आया हुआ कोई भिक्षु भिखारी कोई खाली वापस नहीं जाता था। अपने धर्म का, अपने दान की चर्चा पूरे अयोध्या की राजधानी में रही और यही प्रमाण मिला कि वह दान करते करते स्वप्न में वो सारा राजपाट भी दान कर दिए। यहां तक प्रमाण मिलता है कि काशी में डोम की दास्ता स्वीकार करके मसान पर लाश को जलाने का काम करते थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा का भैलक, अरे ब्राह्मण गरीब पानी भरे हर सभ्या गुजरिया, पानी भरने का काम किया। उनका बेटा रोहित फूल से फूल तोड़ने गया फुलवारी से, प्रमाण मिलता है सर्प डस लिया, मृत्यु हो गई। अपने बेटे का शव लेकर के बिना कफन श्मशान घाट पे पहुंचती है। जिस श्मशान घाट पर वही राजा हरिश्चंद्र रूपी एक डोम के रूप में जो कर लेकर के अंतिम दाह संस्कार करते थे, उन्होंने कहा दुनिया के लोगों की लाश जलाते हैं तो कर लेते हैं, इस बालक का भी कर देना होगा। वह उनकी पत्नी सभ्या क्या करती है, अरे फार चल लिया चल जब आपदी मयनवा ही अपने पुत्र का संस्कार अंतिम करने के लिए अपना आंचल फाड़ करके कर्क रूप में जैसे देती है,
देवता भी स्वर्ग से पुष्पों की बरसात करते हैं और स्वयं सिंहासन लेकर के भगवान उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि तीनों लोगों को चलना है स्वर्ग में, इसलिए तीनों लोग स्वर्ग को चले गए। अंतिम छाप लगल का बाबू तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी बच्चन यादव धवल चंद्रिका बन गए प्रेम पुजारी।